मेरे पास बहुत से आपके, मुझे मेरा बस चलेगा, मैं आपके सारे ड्रामों में बैठ के लेदर लेदर वीडियो करूँ, लेकिन वो हो नहीं सकता है. आई एम गोना टच ऑन मोस्ट जो मुझे रीसेंट जितने हम गा सकते हैं ड्रामों पे कुछ कुछ. राजा राजा करती से शुरू करते हैं. क्या इंस्पिरेशन, कैसे आपके दमाग में इतना, इस किस्म की स्टोरी कैसे आई आपके दिमाग में? मैंने बहुत पहले एक नॉवल लिखा था जिसका एक बहुत छोटा सा करेक्टर था टीपू, जो कि भोला था. उस ड्रामे, उस नॉवल को, उसमें नूरी का समझे भी एक जैसा करेक्टर था. मैं उस नॉवल से सेटिस्फाई नहीं थी, इन सेंस कि उसकी एंडिंग से या जिस तरह मुझे उन करेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए था. वो एक नेगेटिव करेक्टर था उसमें, नूरी का, गुल का. मैंने उसको रीराइट किया, मतलब सोचा कि अगर वो कहानी मैंने 25 साल की उम्र में लिखी थी तो आज अगर मैं उसको लिखूं तो क्या, किस अंदाज में लिखूंगी. क्योंकि 25 साल की उम्र में आपका जिंदगी को देखने का नजरिया और होता है. करेक्टर्स यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट लगते हैं आपको, कि जिंदगी में या अच्छे लोग होते हैं या बुरे होते हैं, या अच्छे हालात होते हैं या बुरे. तो मैंने उस करेक्टर, उस नॉवल का बहुत छोटा सा करेक्टर था जिसकी उस नॉवल में एंड में डेथ भी हो जाती है. और उसमें जो होगा नूरी, अवल तो नूरी का करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था, उसका बैकग्राउंड सब कुछ उस नॉवल से. लेकिन जो उसमें फीमेल करेक्टर था वो नेगेटिव था, टोटली नेगेटिव. लेकिन इसमें मैंने फिर उसको थोड़ा सा यूं समझे, उसी कहानी को, उस करेक्टर को एक्सप्लोर किया कि अगर उसकी शादी होती, अगर वो ऐसा दिखता. उसमें वो समझे कि उस नॉवल का एक छोटा सा हिस्सा था वो टीपू, जिसको मैंने जब भोला बनाया तो मैं उसकी डेप्थ में गई. और फिर मैंने उसका पूरा एक सीरियल जो समझे कि भोला के ऊपर खड़ा कर दिया. भोला के अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स थे, जो भोला की माँ बनती है, भोला के जो चचा होते हैं, और नूरी हसन, ये नॉवल में नहीं थे. आई नो, मैं ये पूछी थी कि उनकी इंस्पिरेशन क्या थी. मतलब हर कैरेक्टर जो था ना, इवन जो भोला की कजन होती है, वो भी लाइक उन सब की इतनी एग्जिस्टेंस थी, इतनी प्रेजेंस थी, इतनी वैल्यू थी स्टोरी में. तो मैं ये जानना चाह रही थी. और वो जो मुझे उनके कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, जो नूरी के साथ दूसरे ट्रैक पे है, जो पहले जिनके साथ नूरी इन्वॉल्व होती है, के साथ, का नाम नहीं याद आ रहा मुझे. सो वो ये कैसे आपने डेवलप किया, लाइक व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, क्या सोचा आपने? उसमें एक तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम कोई नेगेटिव करेक्टर रखूं. लेकिन हो जाता है, आप जब दुनिया की जिंदगी की कहानी बयान करते हैं तो बुरे लोग भी आते हैं. तो जब मेरी कहानी में एक या दो थोड़े से ग्रे शेड के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, टोटली नेगेटिव तो मैं चचा को भी नहीं कहूंगी. कम से कम वो जहर नहीं दे रहे थे या कोई किसी को कत्ल नहीं, लेकिन नेगेटिव. तो फिर बाकी मेरी कोशिश होती है कि बाकी कैरेक्टर्स में बहुत पॉजिटिव और सॉफ्ट दिखाऊं, ताकि बैलेंस हो जाए. एक से ज्यादा आपको नेगेटिव कैरेक्टर नहीं मिलेगा मेरी कहानियों में. तो इस वजह से जो भोला की कजन थी उसका कैरेक्टर, माँ का कैरेक्टर, ये सारे फिर मैंने अच्छी की. बिल्कुल वैसे जैसे आप बंधे एक डोर में देखें कि अगर रोशनी मैंने थोड़ा सा ऐसा कैरेक्टर दिखाया, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कम से कम जेठानी, सास, सब भाई इतने पॉजिटिव हो कि रोशनी का कैरेक्टर थोड़ा दब जाए, इतनी पॉजिटिविटी हो जाए कि जो एक नेगेटिविटी मैंने दिखा दी है वो इतनी लोगों को फील ना हो. ट्रू ट्रू. लेकिन जिब्रान के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन किधर से आई, और ये कहानी शुरू से आपके जहन में थी, या कहानी जैसे जैसे आगे चलती गई उसका मोड डिफरेंट होता गया, और एंडिंग यही आपने सोची थी, या एंडिंग पे जाके थोड़ा सा आपने सोचा कि मैं ये करूँ या ये करूँ, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस उस वक्त क्या चल रहा था हमारे साथ शेयर करें? बेसिक जो स्टोरी थी वो तो यही थी कि आप मोहब्बत का एहसास देर से होना, और जब हो जाना, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप, जैसा कि नूरी का था कि उसने मोहब्बत की बजाय इज्जत को चुना था. मोहब्बत बाद में उसकी जिंदगी में आई थी, लेकिन कभी कभी जब वो मिल जाती है फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती, फिर आप मोहब्बत की तरफ लपकते हैं. पहले उसको इज्जत चाहिए थी, इज्जत मिल गई, अब उसको कुछ और भी चाहिए था. तो बेसिक तो कॉन्सेप्ट यही था. सिचुएशंस जो आती थी, हाँ, वो मैंने पहले से नहीं सोची होती कि साहिर आएगा, ये होगा, प्लानिंग होगी, किसका दिल, वो सारा कुछ फिर हम बाद में साथ साथ आता रहता है. साहिर के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन ये थी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आप उनके साथ 20, 30, कभी कभी 50 साल गुजार देते हैं, आपको नहीं पता चलता कि वो अच्छे हैं या बुरे. और यही था. अब मैं 20-30 साल तो नहीं दिखा सकती थी, लेकिन जो अगर 30 एपिसोड थे तो कम से कम 25 तक आपको भी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि साहिर चाहता क्या है, अच्छा है या बुरा है. तो अगर देखने वाला कंफ्यूज था कि साहिर का करेक्टर क्या है, क्या ये वाकई नूरी को चाहता है या उसको यूज कर रहा है, तो उसका मतलब है कि नूरी भी कंफ्यूज थी, उसको भी नहीं पता चला.
तो ये साहिर का करेक्टर था असल में, कि जो बहुत हमारे साथ होता है कि हम बहुत बाद में जाकर जान पाते हैं किसी को अच्छा सही बात है। आपको अंदाजा था कि राजा राजा करती इतना मशहूर हो जाएगा, इतना इतना ये आप कैरेक्टर भोला का इतना पागलपन हो जाएगा। नहीं था, लेकिन मुझे ये जरूर यकीन था कि लोग पसंद करेंगे, इसका मुझे जरूर पहले से यकीन था, लेकिन इतना ज्यादा होगा ये नहीं था अंदाजा। कोई फैन मोमेंट उस वक्त याद है, या कोई कमेंट आपको याद है जो आपने पढ़ा हो राजा राजा करती का, जब इतना अच्छा चल रहा था, जो आपके दिल को लगा हो, जो आपको अभी तक याद हो? बहुत से थे जाहिर है, वो ज्यादा तो आप इमरान से पूछें तो उनको ज्यादा होगा, क्योंकि जब स्क्रीन पर आती है चीज तो उनका, और वो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी और वो उसके मुस्तहिक भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यकीनन यू समझे कि चार चांद लगाए हैं, तो ये तो फैन मोमेंट वगैरह तो उनको पता होगा। मेरे जाहिर है कि मुझे बाय फेस तो इतना लोग नहीं जानते, और जो फैमिली वाले हैं वो मुझे इतना ज्यादा सर चढ़ा कर नहीं हर वक्त मुझ पे मुझे कमेंट्स दे ज्यादती करे, उनको पता नहीं है तो आपकी वो मिसाले घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। जी इमरान ने आपको कभी फोन किया, कभी बोला कि आपने कितना खूबसूरत कैरेक्टर लिखा और मेरे लिए लिखा? हाँ, इमरान इमरान की हमेशा ही आदत है, और अल्लाह उनकी आदत को बरकरार रखे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो मोहब्बत से जिक्र करते हैं और दूसरे की अच्छाई की तारीफ भी करते हैं। स्क्रिप्ट की उन्होंने हमेशा तारीफ की, और ये तो मैं जब से शुरू ही किया था, तो जब पहले ये गजाला के हाथ जाता था, जो जो प्रोडक्शन हाउस जो कंटेंट देख रही थी, वो फर्स्ट एपिसोड से मुझे फीडबैक दे रही थी, वो तारीफें कर रही थी, तो उससे आपको और थोड़ा आप और कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर डायरेक्टर के पास गया तो वो भी तारीफ ही करते थे, फिर एक्टर्स, तो उस वक्त मैं लिख ही रही थी, तो फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अभी तक इतनी तारीफ हो रही है, ये ना हो कि आखिरी जो कुछ एपिसोड्स रह गई हैं वो मैं कुछ हल्की लिख दूं, जो कि मैं मानती हूँ मैं अक्सर कर जाती हूँ ऐसा, शायद मैं बोर हो जाती हूँ। आप देखिए ना, हर चैनल पे आजकल 20+ बल्कि 30+ एपिसोड्स का है, तो पता नहीं बाकी राइटर्स ऐसा बोर होते हैं या नहीं, लेकिन मैं अपनी ही कहानी से बोर हो जाती हूँ, और मैं अक्सर आधा सीरियल लिखने के बाद 2 से 3 महीने का गैप देती हूँ, ताकि दोबारा शुरू करूं 16वीं 17वीं किस्से, या कभी कभी 20 लिखकर मैं रोक लेती हूँ खुद को, और 2-2.5 महीने में सिर्फ टीवी देखती हूँ, उससे फिर मुझे लगता है मैं एक नया सीरियल शुरू कर रही हूँ, तो फिर से एक्साइटमेंट आ जाती नहीं, आप कम एपिसोड्स वाला लिखती रहिए, हम भी बहुत बोर हो जाती 30+ एपिसोड्स देख के, अनलेस कि नहीं, कम एपिसोड वाला बनते नहीं है ना, अगर मैं कम लिखूंगी तो फिर उसमें डर ये है कि दूसरे उसको ज्यादा कर देंगे, तो उससे बेहतर है कि मैं खुद ज्यादा लिख दूं। इससे ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है काम, आपको लगता है? इससे लगता है आपको बहुत कि ज्यादा, नहीं आ बहुत ज्यादा, जाती? बहुत ज्यादा राबे, क्योंकि कहानियां हमारे पास दिन में जहन में 10 आती हैं। मैं राइटर हूँ और मैं हर चीज को कहानी के तौर पे देखती हूँ, जो कुछ भी हो रहा है या उसको, लेकिन उनमें से हमें शायद ही कोई एक मिलती हो जिस पे हम लिख पाते हैं, क्योंकि हर कहानी को हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या इस पे 35 एपिसोड्स निकल आएंगे, और ऐसा नहीं होता। तो बहुत से अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत सी अच्छी लाइंस हैं जिन्हें मुझे एक तरफ रखना पड़ता है कि नहीं, इस पर नहीं लिख सकती, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 एपिसोड की इस पे लिखेगी, बहुत तो ही बहुत बहुत ख्याल, बहुत से आइडियाज जाया हो जाते हैं। सही बात है, ये बहुत कितने हैं, कुछ आइडियाज हमें नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो इतने लंबे नहीं हो सकते।